हरे कृष्ण एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द एडवोस, दिस साइड योगेंद्र शुक्ला। ओके, सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ 23rd March 2024। हियर यू कैन सी द डेट इटसेल्फ। ओके, सो अगर आप लोग को द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस की पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ, तो मेक श्योर आप लोग हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, सो उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको यूपीएससी से रिलेटेड अदर इम्पोर्टेंट वी कैन से स्टफ भी मिल जाएंगे। सो मेक श्योर ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं आज के पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, तो देखा जाए तो हमको देखने को मिलता है, अगर फ्रॉम द डेमोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीजेपी के अलावा जितने भी अपोजिशन है उनके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी हाथ धो के पड़ी हुई है। ठीक है, तो एक तो ये थॉट प्रोसेस हो सकता है, एक तो हो सकता है कि हाँ, जो मतलब जिनके पीछे भी पेट्रोल एजेंसीज लगी, उन्होंने कुछ ना कुछ वैसा क्रिमिनल ऑफेंस किया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो कि वीकेंड से आम आदमी पार्टी के जो है हेड हैं एक तरह से, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, मतलब कंटिन्यू भी हैं, इस समय भी चीफ मिनिस्टर ही हैं दिल्ली के। ठीक है, तो उनको भेजा गया है कस्टडी में ईडी के टिल मार्च 28। ओके, सीकिंग 10-day कस्टडी ऑफ दिल्ली सीएम, एजेंसी डिस्क्राइब्स हिम एज किंग पिन ऑफ एक्साइज पॉलिसी स्कैम। ठीक है, एक्साइज पॉलिसी स्कैम का किंग पिन उनको ईडी जो है बता रही है। ठीक है ना, इट सेज के जो केजरीवाल है उन्होंने डायरेक्टली डिमांड किया था किकबैक्स। ओके, द प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल कुड एक्सीड ऑफ क्राइम कुड एक्सीड ₹600 करोड़, मतलब 600 करोड़ तक का स्कैम केजरीवाल ने किया, ऐसा जो ईडी है यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वो कह रही है। ठीक है ना, तो ये तो रही बात। इनको जेल में डाला गया रिगार्डिंग जो स्कैम हुआ था रिगार्डिंग द लिक्वर पॉलिसी। ठीक है ना, विच वॉज फॉर्म। ओके, ये तो रही बात, यूपीएससी से रिलेवेंट नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आज के पेपर में। लेट्स मूव फर्दर। हाँ, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भूटान में गए थे दौरे पे। ठीक है ना, मतलब उनको जाना था पहले, वो ड्यू टू द वेदर चेंज वो जो फ्लाइट थी कैंसिल हो गई थी, तो अब गए वो कहाँ पे गए हैं, भूटान गए हैं। ठीक है ना, इंडिया टू डबल असिस्टेंस टू द भूटान और 210,000 करोड़। तो जो हमारा भारत है उसने डिसाइड किया है टू डबल द भूटान असिस्टेंस ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर फ्रॉम 5,000 करोड़, जो कि 2019 से 24 में जो असिस्टेंट था इंडिया का भूटान को वो 5,000 करोड़ था, इसको डबल करके 10,000 करोड़ कर दिया है फॉर द पीरियड टिल द 2029। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड इन थिम्पू ऑन द फ्राइडे। ओके, ये तो रही बात, ऑडियंस विद द किंग, मोदी ने लैंड किए इन द भूटान पारो वैली ऑन द फ्राइडे मॉर्निंग, ही वॉज रिसीव्ड बाय द एयरपोर्ट बाय द मिस्टर टॉपी के। ओके, तो ये रही बात। लेट्स मूव फर्दर, ये देखो, एक फार्मा कंपनी उसने डोनेट किया करोड़ों रुपए टू द बीजेपी इन द इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, कब उसने डोनेट किया, जब उसके जो डायरेक्टर है उनको अरेस्ट कर लिया गया इन द एक्साइज केस। ओके, भारद्वाज ने बताया कि इट वाज द बीजेपी विच हैज रिसीव्ड इलीगल मनी नॉट द केजरीवाल। ओके, तो ये पॉलिटिकल व्यूज हिसाब से आपको दूर ही रहना है। ठीक है ना, इनके उसमें नहीं पढ़ना है, जो रिलेवेंट न्यूज है जो कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है और करेंट टॉपिक है इसमें, तो उसको आप लोग को डील करना है। आगे बढ़ते हैं, वैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा हमें। ठीक है ना, तब भी देखते हैं। हम्म,
लेट्स मूव फर्दर। एडिटर एडिटोरियल देखते हैं हम लोग, क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। टू वॉर्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अमेरिका स्टैंडिंग। ओके, मनोज जोशी जो कि डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के, तो इन्होंने वही बात की है यूएस और यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग और इसराइल और गाजा के रिगार्डिंग। तो ये इतना रिलेवेंट है नहीं, ठीक है ना, इस पर उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी मतलब अल्टीमेटली वो बेसिक चीज़ पूछता है यार, कोई भी चीज़ हो ना उसके जो बेसिक वो है वो उसको पूछता है, ना कि उसमें एकदम कुछ जाता है। अब ये अगली बात आ गई हमें इधर, देखो यार ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना, आज ये पेपर ऐसे ही आया है, क्या बताऊँ मैं आप लोग को, ठीक है। दिल्ली के जो सीएम, जो दिल्ली सीएम के जो लॉयर्स है उन्होंने रश किया फ्रॉम वन कोर्ट रूम टू अनदर टू टेबल देयर केस ओनली टू विड्रॉ इट्स आवर लेटर। ओके, केजरीवाल काउंसिल, ओके ओके ओके, अल्टीमेटली इनको 28 तक ईडी ने रखा है कस्टडी में। जो वेरियस एक्टिविस्ट हैं, ठीक है ना, एक्टिविस्ट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना पर्टिकुलर डेमोक्रेसी, अल्टीमेटली दे राइज द वॉइस ऑफ द पब्लिक इन द कंसर्निंग टॉपिक्स। ओके, तो उन्होंने सीक किया सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब इन टू द पोल बॉन्ड इशू। इलेक्ट्रोल पोल बॉन्ड स्कीम के बारे में मैंने डिस्कस किया था 21 तारीख के एडिटोरियल्स में, तो वो जो पर्टिकुलर एक्ट है 2018 का एक्ट है, ठीक है, तो उसी रिगार्डिंग ये उतना फ्रूटफुल हमको साबित हुआ भी नहीं है, ठीक है। इसको लाया गया था ताकि जो पर्टिकुलर करप्शन होता है रिगार्डिंग द ड्यूरिंग द इलेक्शंस, ठीक है, जो कि पार्टी को फंड मिलते हैं फ्रॉम द इलीगल वेज, उसको कहीं ना कहीं इरेडिकेट करने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम लाई गई थी, लेकिन ये भी उस हद तक कारगर नहीं रही, ठीक है। तो इसी के तहत जो पटिशनर्स उन्होंने डिस्क्राइब किया द स्कीम एज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट आज़ाद भारत का जो बिगेस्ट स्कैम उसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को बताया गया है, विच हैज़ एक्सपोर्ट द कॉरपोरेट पॉलिटिकल नेक्सस एंड बिग टिकट करप्शंस डिमांड इंडिपेंडेंट एसआईटी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये तो यही बात, अब इसमें डीप में जाने क्या मतलब इन्वेस्टिगेशन की तो हम देखेंगे। अब पता है न्यूज़ में आपको सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ देखने को मिलेगी, तो ऐसा कुछ है नहीं इधर, देखते हैं। अगर फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो जो जीडीपी ग्रोथ है एंड क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है वो बढ़ के हो सकती है 8% इस फिस्कल ईयर में, ठीक है। सो जो मिनिस्ट्री है उसने रिनॉक्स किया कंटिन्यूइंग मोमेंटम ऑफ द Q4 में लिफ्ट फाइनेंशियल 24 ग्रोथ पेस अबव NSO 7.6 एस्टिमेट। ओके, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। ओके, कॉटन प्रोडक्शन एस्टिमेट्स डाइवर्स, जो कमेटी है ऑन द कॉटन प्रोडक्शन कंजम्पशन COCPC उसने एस्टिमेट किया है कॉटन आउटपुट फॉर दिस सीजन एंडिंग सितंबर। ओके, चलो वो रिलेवेंट नहीं था, वर्ल्ड में देखें हम लोगों को देखने मिलता है। ओके, रशिया चाइना वीटो और यूएस बिड ऑन गाजा सीज फायर एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। रशिया एडमिस्ट स्टेट ऑफ वॉर एमेड मैसिव स्ट्राइक्स ऑन द कीव, लड़ाई हो रही है यार, रुकना चाहिए। चाइनीज कोस्ट गार्ड ट्राइज टू ब्लॉक फिलिपिनो वेसल्स इन द साउथ जेस, यस। हाँ, तो जो साइमन हैरिस हैं वो आयरलैंड के यंगेस्ट पीएम बनेंगे, सेट टू बी द यंगेस्ट पीएम ऑफ द आयरलैंड। ओके, और क्या है, स्पोर्ट्स आ गया, कुछ नहीं स्पोर्ट्स में अपने लिए, ठीक है। आईपीएल हो रहा है, उसमें CSK जीत चुकी है, RCB कब जीतेगी यार कुछ पता नहीं है। ओके,
इसको अगर देखें तो जो एक जो ड्राफ्ट है उसको स्टॉप किया है, स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ द एक्सप्रेसिव डिमांडिंग दैट इजराइल इमीडिएटली एंड इट्स कैंपेन इन द गाजा, जो गाजा में इजराइल अपनी कैंपेन कर रही है उसको रोके। मॉस्को को अक्यूज किया है, मॉस्को ने अक्यूज किया है वॉशिंगटन को ऑफ द हाइपोक्रिटिकल स्पेक्टेकल दैट डज नॉट रीशोर इजराइल। बीजिंग सेट द ड्राफ्ट टॉच्ड द मोस्ट सेंट्रल इशू। ओके बीजिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एडिटोरियल कुछ ऐसा था नहीं, ठीक है ना, किसके बारे में डिस्कस करें, ये तो बहुत ही छोटी वीडियो बनी यार, मतलब वीडियो से क्या ही मतलब है, लेकिन जब कुछ इंपॉर्टेंट है तो क्या हम लोग डिस्कस करें, आप ही बताओ, कुछ तो इम्पोर्टेंट होना चाहिए ना। कुछ तो इम्पोर्टेंट हो भाई, कुछ तो इम्पोर्टेंट हो, वैसे देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट मिलेगा हमें, लेकिन चलो नहीं क्या कर सकते हैं, हम लोग अगले वीडियो देखेंगे और अल्टीमेटली हम लोग मंथली मैगजीन में उसको अच्छे डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे यार, हम लोग मिलते हैं कल और 24th ऑफ द मार्च, टिल देन बाय बाय, टाटा, हरे कृष्ण। और आप लोग इसकी PDF मिल जाएगी, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, वैसे कुछ आज के पेपर रिलेवेंट था नहीं, ठीक है।